विराट कोहली गौतम गंभीर विवाद में कौन था असली कसूरवार? आईपीएल 2023 के एक मुकाबले के बाद बेंगलोर के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। रातों रात सोशल मीडिया पर यह लड़ाई इस तरह वायरल हुई जिस तरह सीमा हैदर का पाकिस्तान से इंडिया आना। सोमवार को आईपीएल मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुआ झगड़ा भारतीय क्रिकेट के सबसे शर्मनाक पलों में से एक है। भारतीय क्रिकेट कोई पाकिस्तान क्रिकेट जैसा नहीं रहा जहां पूर्वीय वर्तमान खिलाड़ियों का अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने का कोई सम्मान आचरण हो। असहमति अपनी जगह है मगर भारतीय क्रिकेट में ऐसा मौका कभी नहीं आया जब दो इतने बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान बच्चों की तरह झगड़ते हों। एक तरफ विराट कोहली थे जो सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर थे जो दो दो वर्ल्ड कप फाइनल में टॉप स्कोरर रहे हैं। बतौर कप्तान अपनी आईपीएल टीम को दो कप जितवा चुके हैं। ऐसे में अगर इस स्तर के खिलाड़ी मैदान पर मरने मारने की हद तक झगड़ते हैं तो इसे शर्मनाक के अलावा और क्या कहा जाएगा। हुआ ये कि लखनऊ की टीम की बैटिंग के दौरान नवीन उलहक और विराट कोहली के बीच कुछ कहा सुनी हुई। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। यहाँ तक कि कुछ भी असामान्य नहीं था। इस तरह की खींचातानी या स्लेजिंग खेल का हिस्सा है। अगर कहानी इसके बाद शुरू होती है, गुजरात के ऑलराउंडर काले मार्च विराट कोहली से कुछ बात करते हैं। टीवी पर देखकर बता पाना संभव नहीं था कि क्या बात हुई होगी, लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ी नियंत्रण में दिखाई दे रहे थे। तभी गौतम गंभीर वहां आते हैं और काले मार्च की बाजू पकड़कर उन्हें वहां से ले जाते हैं। गौतम के हाव भाव से लगता है कि वो शायद काले मार्च को ही समझा रहे थे कि बहस मत करो। गौतम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पीछे से कोई कुछ कहता है। इसके बाद गौतम गुस्से में आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से विराट भी आगे आते दिखाई देते हैं। विराट कोहली गौतम गंभीर को कुछ समझा रहे हैं, ऐसे में कुछ खिलाड़ी आकर बीच बिचाव करते हैं। जब से झगड़े की खबर सामने आई है इसे लेकर लोगों के मत बटे हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हुए विराट को कसूरवार बता रहे हैं कि वो आदतन झगड़ालू हैं, कल भी जरूरत से ज़्यादा आक्रामक थे, नवीन उलहक को बेवजह उकसाया। अमित मिश्रा पर भी रौप मारा और खुद से कहीं सीनियर रहे गौतम गंभीर का भी लिहाज नहीं रखा। लेकिन वहीं ऐसे लोग भी हैं जो गौतम को बख्साने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि बैंगलोर के खिलाफ पिछले मैच में मिली जीत के बाद जिस आक्रामक अंदाज में गौतम गंभीर ने सेलिब्रेट किया था उसी का बदला विराट ने इस मैच में लिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।